मुझे इंडिविजुअल एक्सीलेंस के लिए मिला है श्रेष्ठ कैटेगरी में। काफी साल की मेहनत है और साथ तो सभी का ही है, फैमिली का, पेरेंट्स का, मेरी ट्विन सिस्टर का, भाई का। मुश्किलें आई हैं बट साथ देने वाले भी लोग हमेशा रहे हैं। बट बाय पैशन मैं एक डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ब्लू बेल्ट इन कराटे और आरजे एंड कंटेंट मैनेजर ऑफ एन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान। नया नंगल दी धी ते ब्लू बेल्ट तारक अरुण शर्मा ते सुषमा शर्मा की होनहार धी दिव्या शर्मा ने 3 दिसंबर नूं राष्ट्रपति तो सोन तगमा अते 1,00,000 रुपए का इनाम प्राप्त करके अपने मापिया खेतर अते पंजाब दा नाम रोशन किया है। दिव्या शर्मा की इस प्राप्ति ते मापिया च खुशी की लहर है अते लोग इस होनहार धी की प्राप्ति ते परिवार नूं वधाई देण दे लई उन्हां दे घर पहुँच रहे हैं। राष्ट्रपति वालों सन्मानित होण तों बाद नंगल परतन वाली दिव्या दा ढोल ढमके नाल शानदार स्वागत किया गया। तुहानूं दस दईए कि दिव्या राष्ट्रपति वालों सन्मानित होण तों बाद नंगल परत आई है। उसकी अखां की रोशनी 75% तो घट है अते उसनूं साल 2016 विच सूबा सरकार वालों राज पदरी अवार्ड नाल भी सन्मानित किया जा चुका है। दिव्या जो पंजाब यूनिवर्सिटी तो अंग्रेजी विच एसे कीता ते लैपटॉप ते स्क्रीन रीडर सुन के सारा कम करती है। दिव्या मुताबक उसकी नज़र खराब होने कारण उसनू 7वीं जमात च स्कूल चों कढ दिता गया सी। अते उस तो बाद उसने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली। घर बैठे दिव्या ने रेडियो ते उड़ान शुरू की जो अज 115 तो वध देशां विच सुनी जा रही है। अप्रैल 2014 विच उमंग फाउंडेशन नाम की एक समाजिक संस्था ने दिव्या नू शिमला विच प्रेस कौंसल नू संबोधन करने लई सद्दा दिता सी। सो पत्रकारां दे नाल गलबात करदे हुए दिव्या उन्हां दे दादी जी प्रोमिला पिता माता और भैणां वल्लों की सुनेहा दिता गया, की जानकारी सांझी कीती गई, आओ आपां उस जानकारी नू वी सुन लैने आ। काफी साल की मेहनत है और साथ तो सभी का ही है, फैमिली का, पेरेंट्स का, मेरी ट्विन सिस्टर का, भाई का और जितने भी मुझे प्यार करते हैं लोग, फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, तो साथ सभी का रहा है। मुश्किलें आई हैं बट साथ देने वाले भी लोग हमेशा रहे हैं। हाँ जी, और कौन कौन से आपने जैसे बताया जा रहा है मार्शल आर्ट के लिए ये अवार्ड मुझे इंडिविजुअल एक्सीलेंस के लिए मिला है श्रेष्ठ कैटेगरी में। और मैं बाय प्रोफेशन मैं एक कॉर्पोरेट राइटर हूँ और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो इंडिया और अब्रॉड अक्रॉस द ग्लोब हैं। बट बाय पैशन मैं एक डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ब्लू बेल्ट इन कराटे और आरजे एंड कंटेंट मैनेजर ऑफ एन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान जो कि 115 कंट्रीज में सुना जाता है और अगले साल फरवरी में से 10 साल हो जाएंगे। तो साथ ही मैं सेंसिटाइजिंग सेशंस करती हूँ अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और अलग अलग ऑफिसेज में भी मुझे बुलाया जाता है, जहाँ पे मैं बताती हूँ कि विजुअली इम्पेयर्ड या दृष्टिबाधित या दिव्यांगजन लोग कैसे काम करते हैं, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं काम करती आ रही हूँ और करती रहूँगी। तो ये सभी चीज़ों को मद्दे रखते हुए मुझे लगता है कि मुझे राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। हमें तो बहुत प्राउड महसूस होता है इस पर, सभी को महसूस होता है जो जानते हैं बचपन से। तो ये लड़की ऐसी है कि कभी एक मिनट खाली नहीं बैठी थी, कभी देखा नहीं हमने कि एक मिनट भी खाली बैठी हो, और कोई चीज़ भी हो उसके लिए क्यों नहीं कर सकते। एक इंग्लिश में कहते हैं तो टेक द बुल बाय हॉर्न्स, कि अगर कोई आगे बैल आ जाए सींग से पकड़ना उसे। ये उस तरह की लड़की है, कोई बात नहीं मैं फेस करूँगी, सो बट इसका वो एटीट्यूड है इसका। और मैं तो रियली बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ, दो बेटियाँ दोनों हैं मेरी, और इस हद तक पहुँचना। और मैं समझता हूँ कि बीइंग पेरेंट्स हम इन्हें एक बेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ तक एजुकेशन की बात है, लेकिन उसके जिसके लिए इसे ये अवार्ड मिला इतना बड़ा, वो सब कुछ इसका अपना ही है। इनिशिएटिव जितने लिए सारे अपने लिए इसने, जैसे स्कूल से निकाल दिया, एमए इंग्लिश की इसने, फिर उसके बाद अपने आप ही इसने रेडियो स्टेशन, 3-4 ब्लाइंड हैं ऐसे, काफ़ी ब्रेव बच्चे हैं अपने इंडिया के, दूर दूर हैं, साउथ में हैं, कहीं और हैं, उनके साथ मिलकर रेडियो स्टेशन चलाया अपना। अभी वीक में 3 प्रोग्राम देती है ये, उनमें से एक है वोकैबुलरी डोज है और एक तो खैर क्या नाम लेने उनके, हाँ मोटिवेशन के, बेसिकली मोटिवेशन के वो हैं। और उसके बाद अपना कराटे करती है अपना, ये कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं पहली इंडिया की लड़की बनूँ जो ब्लाइंड हो और ब्लैक बेल्ट उसके पास हो।
लेकिन इसने इसने यहाँ पे ब्लू बेल्ट किया, उससे पहले जितने भी नीचे बेल्ट्स उतनी सारी ली इसने। पहले तो एकदम जैसे यकीन ही नहीं आया, फिर उसके बाद लगा कि नहीं, इसकी जो मेहनत है इतने सालों की वो रंग लाई है, मेहनत रंग लाई है। और मेहनत बहुत लोग करते हैं तो, लेकिन इसका जो एक दो खासियत है इसमें बेटी में दिव्या में, वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये कभी भी लोग डर के, जैसे हम भी कभी छोड़ देते हैं, नहीं ये हमारे से नहीं होगा, पर मैंने इस लड़की को कभी भी ये कहते नहीं सुना कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं विजुअली चैलेंज्ड हूँ या क्या है। और एक हार्ड वर्क, ये 24 घंटे में से 17 घंटे काम करती है। एक इसका ये कॉरपोरेट राइटर है, तो इसको जो आता है काम, इसके क्लाइंट्स हैं इंडिया में भी बाहर भी, तो टाइम बाउंड काम है और देना पड़ता है, उसकी लिमिट होती है कि इतने बजे देना है। और उसके बाद जो ये बाकी के जो भी चीज़ें इसके, आपने दिव्या ने भी बताई आपको, जो भी है फिटनेस है, फिटनेस फ्रीक मैं कहूँगी ये है, उसके बाद रेडियो है, उसके जो भी प्रोग्राम्स देने होते हैं इसका पूरा हफ्ता ही लग जाता है। एक दिन उसकी कंटेंट लिखे जाते हैं, दूसरे दिन रिकॉर्डिंग होती है, तीसरे दिन एडिटिंग होती है, ये सब हमारे घर पे ही किया जाता है काम। She works from home. तो फैमिली की तरफ से, आपकी तरफ से कैसा सहयोग रहा उसे? देखो मैंने आज तक कभी इसको किसी चीज के लिए ना नहीं की, और एक सबसे बड़ी बात, मैंने इसका मोराल नहीं डाउन होने दिया, क्योंकि आपको पता है हमारा समाज कैसा है, ठीक है ना, हर कोई नहीं सोच के बोल पाता, तो कई बातें जो हैं वो लगती हैं कि भी जैसे ट्विन सिस्टर्स हैं ये, तो फर्क तो होगा ही। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार ऐसे होता है कि भाई मैं ऐसे क्यों, लेकिन मुझे ये खुशी है कि ये ओवरकम कर जाती है हर एक चीज़ को, और शायद वही चीज इसको आज इतनी ऊपर ले गई। नंगल तो चौवेश लटावा की रिपोर्ट, द पब्लिक टाइम्स।